मेरा एक नर्व यहाँ तक है, दूसरा फिर यहाँ से अटैच होगा, इसकी हेड और इसकी टेल अटैच होगी, फिर इसकी हेड और इसकी टेल अटैच होगी। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, ये मेरी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है आप लोग? जर्मनी के अंदर में आ गया था, जर्मनी यहाँ पे कि जो हार गई थी जर्मनी, उसको पूरे के पूरे वॉर एक्सपेंसेस, पूरा का पूरा लोन, एवरीथिंग हैज टू बी पेनलाइज्ड। और 5 इयर्स सिंस अ मैन स्टेज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 5 इयर्स अगो द मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 5 इयर्स अगो। मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है। तो अच्छा टीचर दो फोर्सेस देख रहे हैं, दो का परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप ये दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी। आज मेरा थोड़ा सा आपसे बात करने का मन था। आपने थंबनेल में देखा क्या लिखा था, कुछ तो बड़ा होने वाला। तो क्या बड़ा होने वाला है गाइस? तो मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देने आया हूँ, इसके थ्रू आपसे मेरी थोड़ी बहुत बात भी हो जाएगी और कुछ आपके जो डाउट चल रहा होगा या आपके माइंड में चल रहा होगा कि इस टाइम पे मुझे कुछ ऐसे वीडियोस मिले, मुझे ऐसा कंटेंट मिले, स्टडी मटेरियल मिले, ठीक है? तो इसके विषय में कुछ थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि स्टडी मटेरियल कहाँ से मिले, राइट? तो आप लोग स्टडी मटेरियल की तरफ भागते हैं, हम लोग ऑलरेडी कई सारे वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें स्टडी मटेरियल खुद का भी प्रिपेयर करना है, साथ साथ एक्स्ट्रा में जो होता है वो हमें मिलते रहना है, कहीं ना कहीं से लेते रहना है। तो स्टूडेंट, स्टडी मटेरियल के लिए हमारा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम लोग अब 1 by 1 करके सभी क्लासेस के 9 to 12 PCMB के जो नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो हम धीरे धीरे 1 by 1 प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप में से जिन बच्चों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, वो फटाफट जाकर ज्वाइन कर दें, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस के लिंक वगैरह भी शेयर करते हैं। तो आप चाहे तो किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक का लाइव क्लास में आकर के डाउट आप शेयर करके उसको क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, CBSE के लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए, जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज दी गई है, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रख करके पूरे YouTube में पहली बार फॉर 9 टू 12 रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस टेस्ट का एक कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है। उस कोर्स में हम आपको केवल प्रैक्टिस कराएंगे। क्या कराएंगे स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस, क्योंकि जनरली क्लास 9 टू 12 का स्टूडेंट इतना तो स्मार्ट होता है कि उसे ये पता होता है कि कैसे करना है, राइट? तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अपन इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, हर संडे या वीकेंड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगा इससे, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं, इससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी जनरेट होगी, हमारा माइंड थोड़ा शार्प होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग फॉर 9 to 12, राइट स्टूडेंट? अब इसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज है वो क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स है, जिसमें ग्रामर पोर्शन केवल आपने पढ़ना है, वो संडे स्पेशल क्लासेस चल रही है हमारे यहाँ, राइट? अभी लास्ट 2 संडे से नहीं हो पाई है, 2 संडे से, तो अगले वाले जो हमारा वीकेंड आ रहा है वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, ये रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल होंगी, और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग वीकेंड या हम लोग जो लास्टली संडे जैसा टेस्ट हुआ था, ऐसे ही टेस्ट अरेंज करेंगे। तो आप उसको लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और उसके टेस्ट को करके अपना इंग्लिश ग्रामेटिकल जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज, और बाकी सारे जो टेस्ट हो रहे हैं संडे टू संडे, लाइक साइंस हो गया, मैथ्स का हो गया, इंटेलिजेंस का हो गया, तो आप वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हमारे इस चैनल EduSwitch में अवेलेबल है, और बहुत ही जल्द उनका एक शेड्यूल टाइम टेबल हम लोग आपको देने वाले हैं। उस शेड्यूल में, प्रॉपर शेड्यूल में सारी क्लासेस क्या होंगी, चलेंगी, राइट स्टूडेंट? अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग 8th, 9th, 10th, ठीक है, और 11th और 12th की जो क्लासेस हैं, तो 10th तक तो सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, बिसाइड्स ऑफ हिंदी, राइट? एंड 12th में हम लोग फिजिक्स के वीडियोस हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, मैथ्स के बीच में आए थे, फिर मैथ्स वाले सर के थोड़े फादर के एक्सपायर कर गए थे ड्यू टू कोविड, तो इस वजह से थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन बहुत जल्द उसको भी हम लोग खत्म करने वाले हैं, और उसके बाद तुरंत ही आपको केमिस्ट्री के सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, राइट? तो आप लोग को क्या चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा एज ए सपोर्ट, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि यहां से आपको नई नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और हां, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स जो आपके कॉम्पिटिटर हैं या जो आप जिनसे आपके फ्रेंड सर्कल है ना, उन सबको ये वीडियो शेयर करिए ताकि सब लोग आकर के इस चैनल से जुड़े और क्या करें, अपनी एजुकेशन को क्या कराएं, आगे बढ़ाएं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा स्टूडेंट, राइट, क्योंकि जो पैटर्न हो गया है ना सीबीएसई का, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपने बहाना किया तो समझ जाइए कि आपके मार्क्स कहां जाएंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बस थोड़ी सी इतनी सी बात करनी थी, आई होप आपने मेरी बात समझ ली होगी। तो मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में, फिर कभी बात करने का मन होगा तो फिर एक ऐसा ही वीडियो लेकर के आएंगे। लास्ट में बस मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कुछ, राइट, तो आप एटलीस्ट फिनिश तक पहुंचिए। मैं कई बार ये बोलता हूं, आप बीच में रेस को मत छोड़िए, फिनिश तक पहुंचिए। और एक लास्ट बात और, जो थंबनेल था कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो बड़ा कुछ इस बिहाफ पे होने वाला है कि अगर आपने हमारे सारे क्लासेस को अटेंड किया है, अपनी क्लास की आप सारे वीडियोस देख रहे हैं, हमारे ग्रुप में ऐड है, तो हम क्या कर रहे हैं कि स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बड़ा होने वाला है। एंड सेकेंड थिंग, जो हम लोग जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग लॉन्च कर रहे हैं, वो पूरे यूट्यूब में फॉर 9 to 12 सिर्फ इकलौता यूट्यूब चैनल एडुस्विच है जो आपके सामने रखेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टाटा।